अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज ट्रेड कास्ट के एक फंक्शन के बारे में। हमारे बहुत से क्लाइंट्स हमसे सवाल करते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट्स जो है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आज मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लेजर एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने टॉप टैब्स में देखिए, आपके पास एक इंक्वायरी का टैब आ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे पहले अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है अकाउंट। यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, उसके बाद आप अपनी डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए कि आपको कब से लेके कब तक की रिपोर्ट चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर 26 से 31 तक की रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में आप गेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप गेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। इस हिस्ट्री को अगर आप रिपोर्ट के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे PDF के आइकन पे क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक जब आप करेंगे तो आपकी रिपोर्ट बआसानी आपके PC में सेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी लेजर एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो सेम, आप इंक्वायरी पे जाइए, इंक्वायरी के बाद आप लेजर एक्टिविटी पे जाइए। लेजर एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी आपके पास, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर एंटर कीजिए और डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेम प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप इंक्वायरी पे जाइए, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ अपना अकाउंट नंबर एंटर कीजिए और डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी के टैब में जाके अकाउंट स्टेटमेंट के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, यहाँ आपके अकाउंट का नाम आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी डेट रेंज सेलेक्ट कीजिए, आपको कब से लेके कब तक की स्टेटमेंट चाहिए। फ्रॉम डेट यहाँ डालिए और टिल डेट यहाँ डालिए, उसके बाद आप गेट के बटन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपकी अकाउंट स्टेटमेंट व्यू हो जाएगी। इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप PDF के फॉर्मेट में इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल प्रोसीजर, आप अपनी रिपोर्ट्स बआसानी इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और अपने PC में व्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।